सो है गाइस, आप लोग कैसे हो? सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं फेशियल। एंड आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप 32 से 30 इयर्स की लेडीज़ को फेशियल करें। सो आज हम ट्राई करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आप किस तरीके से फेशियल करेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करेंगे फेस को क्लीन, जो कि हम लेंगे क्लींजर को। ओके गाइस, सो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम क्लींजर लेंगे एंड उसके बाद हम करेंगे फेशियल स्टार्ट। सबसे पहले हमें फेस को क्लीन कर लेना होता है गाइस। सो गाइस, इस तरीके से हम फेस को अच्छे से करेंगे क्लीन क्लींजर के साथ में। ओके फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। सो उसके बाद हम अच्छे से क्लीन करेंगे। सो फेस को क्लींजिंग करने के बाद हम फेस को कर लेंगे क्लीन, जो कि गाइस रिंकल्स आ जाते हैं बहुत सी एज के अनुसार। सो जैसे कि इन रिंकल्स है, इनको कम करने के लिए हम आज फेशियल करने वाले हैं कि रिंकल्स में क्या फ़र्क हमें फेशियल करने से मिलता है। इस क्लींजर करने के बाद हम करेंगे स्क्रब। आप देख सकते हैं स्क्रब की हमें 5 मिनट तक मसाज करनी है अच्छे से। ओके, सो इस तरीके से हम ऊपर की साइड, जितना हम ऊपर की साइड को इस मसाज करेंगे फेस की, हमारी फेस में उतना ही ग्लो आएगा एंड जो हमारी थोड़ी सी हमारी स्किन लटक जाती है उसको टाइटनेस रखने के लिए हम फेशियल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्किन हमारी लूज़ हो जाती है टाइम के अनुसार। सो उसको थोड़ा सा टाइटनेस बनाने के लिए हम फेशियल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 30 से 32 साल की एज के हैं तो आप फेशियल मंथ में 2 बार जरूर करवाएं, उससे आपके फेस पे ग्लो एंड शाइनिंग बनी रहेगी और आपके रिंकल्स भी बिल्कुल अच्छे रहेंगे, मतलब आपके रिंकल्स कम हो जाएंगे, आपका फेस अच्छा दिखेगा। ओके गाइस, सो इस तरीके से हम अच्छे से मसाज करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इस तरीके से हम फेस की मसाज कर लेते हैं 5 मिनट तक। आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोसेस के बाद। सो गाइस, इस मसाज को करते करते 5 मिनट्स हो चुकी है। सो गाइस, अभी हमारा जो है 3rd प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यह है क्रीम। हमें क्रीम की तब तक मसाज करनी होती है जब तक हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। जब हमारी क्रीम स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए तभी हमें क्रीम को छोड़ देना है एंड इसको क्लीन नहीं करना होता, इसके डायरेक्ट ऊपर अप्लाई कर देना होता है हमें जेल को। ओके गाइस, सो अभी हम करेंगे मसाज अच्छे से फेस की। ओके, अभी हम मशीन से आपको करके दिखाते हैं। सो इस तरीके से हम इसको घुमाते जाएंगे और इससे अच्छे से मसाज करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास चीज़ें सभी अवेलेबल है, बट हमें हाथ से फेशियल करना अच्छा लगता है, मशीन से फेशियल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट थी कि आप जो फेशियल मसाज आती है मीशो अमेज़ोन पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, उससे आप फेशियल करके दिखाएं। सो ये प्रोडक्ट उतने अच्छे नहीं होते हैं कि हम इनसे मसाज कर पाए, ये जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, उतना मतलब बेस्ट ये प्रोडक्ट नहीं है। जितना आप हाथ से मसाज करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। सो गाइस, ये वीडियो थी तो 1-1.5 घंटे की, बट मैंने इसको स्किप कर करके आप लोगों को दिखाया है। ये छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि इतना लंबा हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती है, तो इसलिए हम पूरा आप लोगों को नहीं दिखा पाते हैं। सो प्लीज़, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप फेशियल कर सकते हैं घर पर ही। सो अगर आप ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन फ्री ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा रहे हैं आपके लिए। हमने एक प्लेलिस्ट में ब्यूटी पार्लर के नाम से एक चैनल बनाया है अलग से, कि ताकि आप सारी वीडियो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख सकें। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक जरूर कर लेना, आपको हमारे जितने भी वीडियो अब तक गए हैं स्टेप वन स्टेप आपको मिल जाएंगे। ओके गाइस, सो गाइस आप लोग देख सकते हैं क्रीम सारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है, उसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे जेल को। ओके गाइस, सो गाइस आप लोग देख सकते हैं जेल की अच्छे से कर रहे हैं मसाज। ओके फ्रेंड्स,
आप लोग देख रहे हैं। सो इसी तरीके से हम हल्के हल्के हाथों से मसाज करते जाएंगे। ओके गाइस, सो फाइनल रिजल्ट भी हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम अच्छे से मसाज कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ स्टेप के, आप स्टेप किस तरीके से कर सकते हैं। आपको इस तरीके से स्टेप करने चाहिए फेशियल के। सो अगर आप इस तरीके से अच्छे से स्टेप करते जाएंगे तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको रिलैक्स फील भी होगा एंड फेशियल में अच्छे से और बहुत ज़्यादा ग्लो भी आएगा अगर आप इस तरीके की फेस मसाज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से मसाज कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप इस तरीके से फेशियल कीजिएगा, आप घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा इस फेशियल को, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है अगर आप इस तरीके से फेशियल की मसाज करते हैं। मैंने इसके स्टेप आप लोगों को बताएं फेशियल के कि आप किस तरीके से अच्छे तरीके से इस स्टेप कर सकते हैं। ओके गाइस, सो इस तरीके से हमारा जो फेशियल है, जैसे कि हम किसी के फेस पर रिंकल्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं एंड डार्क सर्कल की जो प्रॉब्लम हो जाती है एज के हिसाब से, वो भी कम करने में हमारी हेल्प करता है। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। एंड इसके बाद हमने कर दिया है फेस को अच्छे से क्लीन। ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं, सो क्लीन करने के बाद हमारा लास्ट प्रोसेस है पैक का, जो कि हम पैक को अच्छे से लगाएंगे एंड उसके बाद पैक को हम लगा के छोड़ देंगे और इसको हम सूखने देंगे। जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए तब तक हम इसको छुड़ाएंगे नहीं। ये हल्का सूखा और हल्का गीला होना चाहिए। अगर हम इसको पूरा सूखा देते हैं फिर ये हमारी स्किन को फाड़ने लग जाता है, तो हमारी स्किन पे फ़ायदे की बजाय नुकसान होने लग जाते हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही फेशियल करें कि हमारे जो क्लाइंट का पैक है वो हल्का सूखा हल्का गीला हो, और तब ही जाके हम उस पैक को छुड़ा दें। ओके गाइस, तो हमारी जो फेस की स्किन है वो फिर फटेगी नहीं। अगर किसी की ऑयली स्किन है काफ़ी ज़्यादा, तो आप उसका पूरे तरीके से ड्राई करवाइए पैक को, तब उसका छुड़ाइए। अगर किसी की स्किन पहले से ड्राई है तो आप हल्का गीला और हल्का सूखा रखें और तभी उसको छुड़ा दें। मैं पूरे फेस पे पैक को लगा रही हूँ, नेक एरिया को भी अच्छे से कवर कर रही हूँ। ओके गाइस, सो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पैक जो है हल्का सूखा है हल्का गीला है, क्योंकि इनकी स्किन ड्राई है तो प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। सो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप कीजिएगा। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें बताना ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छी सी वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।